कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आवश्यक है क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना समझना, उसके बाद कार्य शुरू किया जाना चाहिए, तब बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और गलतियां नहीं होंगी। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छी तरह, फिर देखिए। कह रहा है 1 किलोमीटर पर आर फास्टर, दो लोग हों या एक ही व्यक्ति हो जो चल रहा है उसकी स्पीड जो है वो एक्स किलोमीटर पर आर है, लेकिन अगर ये स्पीड 1 किलोमीटर पर आर बढ़ा दी जाए, यानी स्पीड हो जाए x+1 किलोमीटर पर आर, तो क्या होगा? तो जो टाइम लगने वाला है वो टाइम 10 मिनट कम हो जाता है 2 किलोमीटर जाने में। तो 2 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा, पहले ये समय निकालो फिर ये निकालो। तो देखिए, दो समय कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए, पहले जो टाइम है वो क्या होगा, 2 किलोमीटर जाना था और उसकी स्पीड थी एक्स, ये टाइम लगता। बाद में जब वो तेजी से चलने लगा तो उतना ही डिस्टेंस इस समय पर चेक करेगा, ये समय हो गया। अब कह रहा है कि ये लेस है कितना, 10 मिनट इससे, पहले जो समय लगता उससे अब 10 मिनट कम लगते हैं। इसका मतलब ये टाइम ज्यादा है, ये कम है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा 10 मिनट। लेकिन क्वेश्चन हमारा पर आर में चल रहा है, तो इस मिनट को घंटे में चेंज करें, 60 से डिवाइड कर लें, ये कट जाएगा, 1/6 बचेगा। ये एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू जो निकलेगी वही उसकी स्पीड है। कैसे करेंगे, इसको एलसीएम लेना होगा, एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x हो गया। ऊपर देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा, चाहे 2 कॉमन रहने दीजिए, दोनों तरफ 2 है तो 2 को कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा x, ये नंबर यहां आ जाएगा x+1 और -x हो जाएगा = 1/6। अब देखिए x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ब्रैकेट के अंदर तो केवल 1 बचा और 2 बचा, तो 2/ ये हो गया केवल, तो बच गया 2/x² + x = 1/6। ये क्वेश्चन बन करके तैयार हुआ। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, देखिए कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x² + x = 12, और 12 को लेफ्ट साइड करेंगे तो -12 = 0। अब इसके फैक्टर करके x की वैल्यू निकाल दीजिए, x² ऐसे 2 फैक्टर करें x के कि जो माइनस करें तो x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 12 यानी +4x - 3x - 12। अब यहां कॉमन ले लीजिए तो ये आ गया x कॉमन, x + 4 - 3 कॉमन, x + 4। जब माइनस कॉमन होता है तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो एक फैक्टर बना x+4 और x - 3 = 0। अगर इस फैक्टर को हम 0 लेते हैं तो निगेटिव आ जाएगी स्पीड, जो संभव नहीं है, जो हो नहीं सकती, इसलिए इस फैक्टर को लेंगे तो x - 3 = 0, तो x = 3। तो ये जो स्पीड थी उसकी नीरज की, वो स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर पर आर उसकी स्पीड पहले थी, तो और बाद में 1 किलोमीटर उसने बढ़ाया तो 4 किलोमीटर की स्पीड बनाया, तब उसे 10 मिनट कम में वो पहुंचा। इस तरीके से क्वेश्चन को समझना और फिर सॉल्व करना बहुत ही सरल हो जाता है और फिर हल करने में समय कम लगता है, रिवीजन करने का टाइम बचता है। धन्यवाद।